बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे जिन्ने भी दोस्त देख रहे हो, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा फेसबुक पेज, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अज एक वीडियो लैके हाजिर होए हाँ। मेरे हाथ दे विच तुसी वेख रहे हो ब्लैक कलर दे सिट्टे। लोग आखदे ने कि काली गंदम कोई नहीं, काला सिट्टा कोई नहीं होंदा, ब्लैक दा रंग कोई नहीं होना सिट्टे दा। और मैं जिहड़ी जगह ते मौजूद हाँ, मेरे बैक साइड ते तुसी अगर वेखो तो माशाल्लाह सारे सिट्टे काले हो चुके नू, और जिहड़े बाकी काले हो रहे थोड़े कच्चे हैं वह भी कुछ दिनों तक काले हो जा सन। मेरे नाल भाई होनी मौजूद हैं। सब तो पहले मैं भाई का तारफ करवाना थानू, तो उस तो बाद असी अगे इन्होंने को पुछते हाँ भाई इन्हें गंदम क्यों काश्त की, इस गंदम का इन्हों किवें आइडिया आया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अपना नाम दसो जी। मेरा नाम जनाब फैसल शहजाद जी। इलाका? इलाका पिंडी बटियां। मैं पुलिस काम करना जी, एज ए वायरलैस ऑपरेटर, थाना सिटी पिंडी बटियां। ठीक हो गया फैसल भाई। माशाल्लाह थोड़े इलाका दरिया का किनारा है गल बने, और इतने गंदम की फसल वेखी तो सिट्टे काले काले हैं, बिल्कुल एक रंग नहीं किए हैं, ये तो काले ओरिजिनल हैं। यह की चीज़ है, किमें थोड़े जेहन में आया और ये चीज़ तुम ला ली? भाई जान गुजारिश ये वे कि जितनी जिद्दत आ गई है ना इस जदीद दौर च, हर बंदा रिसर्चा करता पिया, वेखदा पिया। मैं भी यूट्यूब फेसबुक तो वेखिया सन ये चीज़ा कि यह चीज़ें जी ये बहुत अच्छी चीज़ है, साडे मुल्क की जरूरत है। ये शुगर फ्री भी दसते हैं, कैंसर वाले ने जोड़े उन्होंने मरीजों वास्ते भी अच्छी है, शुगर वाले मरीजों वास्ते भी अच्छी है। ये एज ए मेडिसन भी काम करते है। की है ये जनाब? ब्लैक वीट। अच्छा, काली गंदम। हाँ जी, काली गंदम। ठीक हो गया। ए तुसी कदों काश्त की? अगली तुसी गल दसो कि शुगर फ्री भी दस रहे हो। हाँ जी भाई जान, काश्त दूसरी गंदम के नाल ही होई है, यह दूसरी भी साइड तो नज़र आ रही है। ये कड़े जो मैं उस दे नाल ही काश्त किया, ये मैं बकायदा डॉक्टर हजरात को भी पूछा, साजे जरैत आलिया को भी पूछा, सारे ये दसते सन कि यह चीज़ है जी बहुत आला चीज़ है। अच्छा, मतलब कि तुसी इस ते मुतमैन हो, तुसी पहले तहकीक की, बड़ी रिसर्च की, उस तो बाद तुसी ये चीज़ लाई? जी बिल्कुल, अलहम्दुलिल्लाह जनाब, मैं पढ़िया लिखिया सा, मैं हर चीज़ की रिसर्च करके। उंज जिम्मेदार नूं एक एकड़ जाया करन दी कोई जरूरत होंदी जी, बहुत ज़्यादा खर्चा होंदा है। मैं सारी रिसर्च करके उस तो बाद इस नूं लाया साजे। ठीक हो गया। तो यह जो लाने का प्रोसेस हो पाकिस्तान दे वेचे पहली दफा काश्त हुई है, थानू किवें पता लगा कि जमीन इस तरह की ऊंचाई दी, और किवें दी जमीन तुसी इस वास्ते बनाई, जमीन की तैयारी तो लैके तुसी इहदी हुण तक जिहड़ी वह सारी सानू तफसील नाल दसो। भाई जान गुजारिश ये वे कि कोई स्पैशल ये वास्ते मेहनत नहीं जे। अच्छा। जिस तरह दूसरी जमीन बन दी है उस तरीके नाल इहदी जमीन बन दी है, जिस तरह उन्होंने छट्टा दिता जाता है, जो उसनों खुराक दी जाती है, कंप्लीटली वही प्रोसैस है। ये कोई अलहदा चीज़ नहीं, और ये नहीं कि यदि आबोहवा अलहद है। हाँ एक चीज़ है कि साइडा तो है मेरी गंदम है वो अजे कच्ची है, लेकिन यह मैंने उम्मीद है कि होर हफ्ते तक ने जो कटाई करवानी पैनी है, पक दूसरी ना जल्दी गई है। हाँ जी, खादा का इस्तेमाल कितने पानी लगे? खादा का भाई जान पानी इसनों मेरा जमीन है, छे पानी लगे जे। खाद है जी थले मैं DAP पाई साजे, नाल पोटाश पाई साजे, उत्ते एक जबरदस्त नाल नाइट्रोफास ए पाई साजे। दूसरी दफा मैं कोशिश ऐसी मेरी कि मैं इनू खाद पावा, लेकिन इसमें नेड़े नहीं होने दिता। यदि टिलरिंग अगर तुम वेखो ना, ये 70-70, 72-72 तीले हो गए ने। माशाल्लाह। लो जी सजनो, तुसी वेखिया कि 70-72 तीले इस दे, और मेरा ख्याल है एदे विच जिहड़ा सिट्टा है उहदे दाने भी बहुत ज्यादा, और दाने भी मेरा ख्याल आम गंदम नालों मोटे दाने इस दे हैं। जी बिल्कुल अलहमदुल्ला, बिल्कुल मोटे ने दाने जनाब। बाकी अलहदा पौधा जिहड़ा ऐ तुहाडे सामने में, ऐ पौधा हुण गिण के वेख लवो हर चीज़ नूं। वेख रहे हां बिल्कुल जनाब, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टिलरिंग और कामयाब चीज़ है। अच्छा, एक गंदम दा जिहड़ा बीज है ना, वो बड़ा महंगा सेल होंदा, क्योंकि नवी नवी चीज़ आई, लोग चाहते हैं पैसा कमाना, लेकिन पैसा लोग इस तो मतलब ज़्यादा कमाएंगे। दूजे नंबर ते जिहड़े शुगर ते एंटी कैंसर भी इहदे कैंसर दे मरीज, फोलिक एसिड, यह चीज़ा डॉक्टर हजरात दे के दे विच हैं, तो ये वास्ते एक तो आटा भी बड़ा जरूरी है। तो दोस्तान हले तक तो मेरा ख्याल है बहुत थोड़ी फार्मिंग है पाकिस्तान के,
ਤੇ ਸੀਡ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦੱਸੋ ਸੀਡ ਸੇਲ ਕਰਸੋਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। मैं अगर कोई बीजा च मेरे को मंगेगा मैं उसनू भी देंगा, अगर कोई मरीज मंगेगा जितनी गुंजाइश होएगी मैं उसनू भी देंगा, लेकिन अगे मैं आप भी वधावगा जितनी वधा सकना वा, कोशिश मेरी होगी। अच्छा, मतलब है कि थोड़े को जल्द अज जल्द कोई रबता करे तो ही उसको लभनी, अगर किसी लेट रबता किया क्योंकि पहले आए पहले पाए कि बुनियाद पर सेल होने वाली चीज़ है, क्योंकि एक एकड़ थोड़े को पाकिस्तान पता नहीं किन्ने लखन लोग थोड़ी वीडियो वेखते हैं, इस वास्ते यदि बुकिंग स्टार्ट तुम कदों तो कर रहे हो? भाई जान ऐसे ही कोई शक नहीं कि ये अजे तो वीडियो तो हूँ बनन लगी है ना, तो मेरे चंद दोस्त भी है ने कि जिन्होंने पहले पता है और मैनू रबते कर चुके ने कि यार साढ़े लिए इन्ना जरूर रखी, तो बुकिंग जी मैं तो हूँ शुरू कर देनी है, 8-10 दिन बाद तैयार है, इसकी कटाई करा के 8-10 दिन बाद मैं बीज भी सेल करना शुरू कर देना, अगर कोई बुकिंग हूँ भी दोस्त करवाना चाहेगा तो मैं कर लेनी है बुकिंग। सर हुण ना अपना नंबर एक बारी ना जिहड़ा तुहाड़ा नंबर ते व्हाट्सएप है वह तुसीं दस दिओ ताकि लोग डायरैक्ट तुहाडे नाल राबता कर सकन। जी बिस्मिल्लाह जनाब, मेरा नाम फैसल शहजाद है, पिंडी भटियां सिटी मैं शहर च रहिंदा वां, पिछे मेरा पिंड है डेरा सिंधियां मशहूर है हुजन दे कोल। इस तो इलावा जनाब मेरा नंबर है 0304-940-7920, दूसरा नंबर है जी 0345-630-6084, लेकिन दोनों नंबर ने जेड़े अगर किसी भी दोस्त मैनू कॉल करनी होए व्हाट्सएप पर करे, कॉल भी मैसेज भी अगर वैसे मैनू कॉल करते रहेंगे तो मेरे अल कॉल नहीं आएगी, व्हाट्सएप पर आएगी ओनली। फैसल भाई बहुत मेहरबानी, कीमती टाइम दिता और माशाल्लाह दोस्तों ने वीडियो पसंद आई उसी कि क्रॉप थोड़े सामने लेके आया और इस क्रॉप तो मेरा ख्याल है लोग काफ़ी पैसा कमाएंगे, लोग 2 किलो 4 किलो 5 किलो 1 किलो लान जरूर क्योंकि नई चीज़ है। दोस्तों हुण चाहने इजाजत, फैसल भाई को इजाजत लेने, मिलते हैं नवी वीडियो दो, इजाजत, अल्लाह हाफिज़।